भाई साहब जैसे दिल को तसल्ली देता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करा नील, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बट इतने में कोई नया कर्मकांड सामने आ जाता है। सुबह सुबह मैनेजर का फोन आया कि भाई साहब ऐसे ऐसे वो गाड़ी है वो ब्रेक डाउन हो गया, महिंद्रा वाली सीएनजी वाली, सर क्या करना है। मैंने पूछा क्या दिक्कत होगी, बोलता है कि पहले सर्विस पे गई थी शायद, वहाँ पे ठीक से चेक नहीं ये वो। तो मैंने कहा यार सही सही बात बता क्या हुआ क्या है। मिस्त्री से बात कराई, मिस्त्री को लोकल मिस्त्री होगा, कहता भाई साहब ऐसे ऐसे जो इसका पिछला डिफरेंशियल है जिसपे टायर को जो चलाता है गाड़ी को पीछे डिफरेंशियल होता है, बीच में गोल ढक्कन देखा आपने, उसका ऑयल ड्राई अप हो गया है जिसके कारण कि वो ड्राई चला है और वो टूट गया है। अब ये क्या, इसमें मैं ड्राइवर को भी गलती नहीं बता सकता, क्योंकि ड्राइवर वो चीज़ चेक करनी नहीं आती। ड्राइवर तेल पानी चेक कर सकता है यार, मैक्सिमम तेल पानी कूलेंट ये चेक करेगा, ब्रेक बता देगा, टायर बता देगा, ये थोड़ा ना बताया कि डिफरेंशियल का ऑयल खत्म हो गया। अब ये जो ये गलती थी, ये गलती रही है सर्विस के टाइम पे। लास्ट टाइम भी मैंने पीपी ऑटोमोटिव से ली थी गाड़ी, मैं इनको कई बार कंप्लेन कर चुका हूँ कि हर बार इसका कभी इसका पाइप फट जाता है और कभी इसका सेल्फ खराब हो जाता है। और मोस्टली दिक्कत क्या होती है, जब सर्विस पे जाके आती है, आज सर्विस पे गई उससे पहले ठीक भेजिए गाड़ी, सर्विस करने भेजिए बस, वापस आई सर्विस पे आती है वापस आती कोई ना कोई चीज़ खराब हो जाती है, या तो उसका सेल्फ खराब हो जाएगा या फिर उसका ऑयल कम हो जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है सर्विस के बाद। मतलब सर्विस के बाद ही क्यों, कंप्लेन करी मेल करी कोई रिएक्शन नहीं भाई साहब। लोग पूछते हैं कि महिंद्रा अच्छी गाड़ी है सब कुछ बढ़िया है, भाई साहब गाड़ी एक बच्चा पैदा करना ज़रूरी नहीं है, बच्चे को पाल पोसना भी पड़ता है, समझ रहे हैं आप। टोयोटा ने एक इकोसिस्टम बनाया है, टोयोटा वैसे ही नहीं इतना मशहूर हो रहा, लोग पागल ही हो रहे टोयोटा के पीछे, क्यों पागल हो रहे, इसी वजह से पागल होने, एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। आपने गाड़ी अच्छी बना दी, बना के भूल गए ना, आपको उसको सर्विस सेंटर्स आपको अच्छे बनानेंगे, सर्विस आप अच्छी प्रोवाइड करो। आपको कंप्लेंट आती है, टोयोटा के मेरे पास 10 बार फोन आता है कि भाई साहब गाड़ी ठीक है आपकी, भाई साहब गाड़ी ठीक है आपकी, ये आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सर्विस कैसे कोई कमी पेशी तो नहीं आई। मेरी गाड़ी पे थोड़ी सी धूल का इतना सा रह गया तो पूरी गाड़ी दोबारा धोके दी उन्होंने, इनके ऑयल खत्म हो रहे होता है गाड़ियों के, महिंद्रा वालों के, हद है यार, शर्म नहीं आती इनको। पीपी ऑटोमोटिव वाले को पिछली बार बोले कि भाई साहब ऐसे ऐसे इसके वो खराब हो रखा है, ये सेल्फ खराब हो गया आपकी गाड़ी की सर्विस के आए थी, कहते ठीक है भाई साहब आप भेज दो मैं चेक करवाता हूँ, चेक कराया कहते जी भाई साहब ठीक है। मैंने कहा तो मैंने ठीक करवा लिया बार से यार, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये के कितनी बार मैंने इस पर खर्चा कर लिया, वो भी जब जब सर्विस के बाद में वापस आती है। रिसेंट सर्विस पे गई, कोई SOP नहीं है इनका, सर्विस पे जाके आई है गाड़ी और उसके बाद मैं अभी इनका बता डिफरेंशियल ऑयल खत्म हो गया। भाई साहब 2020 में सही में गड़बड़ चल रही है, कुछ ना कुछ काल ही आया है बस, अभी जाता हूँ देखता हूँ क्या सीन है। और जो लोग को बुरा लग रहा लगे यार महिंद्रा जेब से कब तक पैसे भरूंगा मैं, ऐसा थोड़ा अच्छा लगता है। सॉरी यार गुस्सा मैंने मतलब 15-20 हज़ार का फटका लग गया सुबह सुबह उठते ही। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू विष्णु वंस अगेन। एक बार जाके देखते हैं कि सीन क्या हुआ क्या है, मतलब मूड ही खराब हो गया सुबह सुबह। छोड़ दिया भाई साहब मैडम को अभी ऑफिस और अभी निकलते हैं। एक बार गाड़ी कहाँ खड़ी है? चौक पे, पास में है, चौक पे खड़ी है, देख के आते हैं। पहले समझ के आता हूँ कि इशू क्या हुआ है, दिक्कत क्या हो गई ऐसी, मतलब जिसकी वजह से गाड़ी रुक गई है। कोई महिंद्रा में हो, कोई महिंद्रा की एजेंसी में हो, जो भी कोई मेरा व्यूअर है जानता हो कि जो रियल डिफरेंशियल है जो गाड़ी का, क्या इनके SOP प्रोटोकॉल्स में आता है क्या, मतलब SOP में आता है क्या उसको चेक करना, उसमें कि चेक भी करते हैं कि नहीं करते हैं, वो चीज़ मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। बाकी तो अभी एक बार जाके देखते हैं सीन क्या है। अब भाई इसको तो पिछवाड़ा उतार रखा सारे। तो गाड़ी का जो रियर डिफरेंशियल है, पिछला टायर ताम झम सब उतार के रखा, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये बोल रहे कि जो रियर डिफरेंशियल है उसके अंदर ऑयल होता है, वो ऑयल हो गया है ख़त्म। तो सारे पार्ट ढक्कन वगैरह खोल के रखे थे इन्होंने अपने गाड़ी में रखा हुआ पार्ट, वो दिखा रहे हैं कि क्या टूट गया है। ये टूट गया, डिफरेंशियल की गरारिया है वो गई है और बेरिंग भी गया। अच्छा कारण क्या होता है फिर खराब होने का? तेल नहीं होता, तेल के कारण होता है ये। नहीं तो तेल ये ड्राइवर चेक कर सकता है? नहीं कर सकता, वो मैकेनिक करता है, जब गाड़ी सर्विस होती है तो मैकेनिक ही करता है। अरे जो महिंद्रा वाले उनको चेक करनी चाहिए, करनी चाहिए, जिससे भी गाड़ी सर्विस कराते हैं उनका काम है। अच्छा नहीं मान लो जैसे ये करंट में भी खराब हो गई एकदम से, पहले कुछ इंडिकेशन होता है कि नहीं होता? नहीं पता लगता एकदम ड्राइवर को कि भाई ये नहीं पता लगता? वो सिर्फ है ना, हम भी हमारे से भी कोई गाड़ी सर्विस कराने आती है ना, तो हम क्या करते हैं हर सर्विस पे उसका तेल चेंज करते हैं, चेक करना पड़ता है और हर 40,000 किलोमीटर पे चेंज करते हैं। मतलब कंपनी को चेक करना चाहिए था, चेंज करना चाहिए था। हाँ जी, ये चेक करो जब सर्विस पे गाड़ी जाती है तो चेक करो या उसको चेंज करो।
क्योंकि पैसे मालिक के लगते हैं, कंपनी के नहीं। हाँ तो अभी बिना मतलब खर्चा हो गया ना, मतलब ये लगाओ आप 14-15 हज़ार रुपया नुकसान हो गया, पूरी गाड़ी खुली हुई है देखिए आप। हाँ तो सप्लाई भी वो खराब होगी ना, वो आज की सप्लाई गई, बिल्कुल सप्लाई गई, कम से कम 2 दिन से गाड़ी खड़ी है, 2 दिन से ये पूरा खोल रखा है ना, पूरा पूछला पूरा हिस्सा खोल रखा है। भाई अब देख लो ये जो सीन है, अब ये महिंद्रा का दोष है इसमें, मिस्त्री साहब बता रहे ड्राइवर की गलती नहीं है इसके अंदर, ड्राइवर क्या करेगा, ड्राइवर को थोड़ा ना पता लगेगा कि भी क्या है। ड्राइवर तो ओनली इंजन ऑयल चेक करता है, इंजन ऑयल चेक कर सकता है, पानी चेक कर सकता है। आप देखिए ये सूखा चला हुआ है, ये सूखा चला हुआ है बिल्कुल, ये तेल ही नहीं निकला इसके अंदर से, बिल्कुल ड्राई पड़ा था। हाँ बिल्कुल ड्राई पड़ा था, ऐसा तो नहीं लीक हो गए, नहीं लेकिन वो कंपनी की गलती है ना, कि ड्राइवर की है ना किसी की। ये जो है ना इसका बैरिंग भी सूखा चल गया, ये भी ड्राई चला है। हाँ जी ड्राई चला हुआ है, ये बिल्कुल टूट के हाथ में आ जाएगा, अगर ये टूट गया ना बिल्कुल हाथ में आ जाएगा, जब ये एक्सल भी खराब हो जाएगा, 5-6 हज़ार रुपये का आता है ये भी अलग से खर्चा है। हाँ जी हाँ जी, ये इसका डालना पड़ेगा, मतलब ये मेरी गाड़ी ना टोयोटा की है, टोयोटा में जब भी गाड़ी आती है ना छोटी मोटी चीजें हैं, एक बार नजर मार लेते हैं, कोई दिक्कत हो तो मैं बताते भाई साहब ये दिक्कत है ठीक करानी है, बता दो नहीं करानी तो बता दो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो गलती होती है ना, ये जैसे कि आप मेरे से कोई भी गाड़ी सर्विस होती है तो मेरा फर्ज है, मेरा काम है, अगर जब भी गाड़ी सर्विस कराने आती है तो मैं अपनी अपना काम पूर्ण रूप से करूँ, जैसे कि डिफरेंशियल ऑयल है, गियर ऑयल है, इंजन ऑयल है, सारा करके कंप्लीट करके मैं उसका अगले का काम संतुष्टि से करूँ, तभी तो गाड़ी चलेगी। और ये ऐसे तो 2-3 लाख किलोमीटर नहीं बोलता, जब इसके अंदर इंजन ऑयल नहीं होगा ना, गियर ऑयल नहीं होगा, तब ऐसी हालत होती है, ना तो नहीं होता, खराब नहीं होता ये। मैं पहली बार देखा है, मैं खुद पहली बार देखी है। मिस्त्री साहब ये और कह रहे हैं कि इसमें जो भी कोई पार्ट डलेगा वो उसमें जेन्युइन ही डालना पड़ेगा, बाहर से आप जुगाड़ वाला सिस्टम नहीं कर सकते, तो जुगाड़ वाला सिस्टम कामयाब ही नहीं है। और इसमें पार्ट भी कौन सा डलेगा वो जाएगा आपका महिंद कंपनी में चेक होके कि कौन सा वाला है, सैंपल जाएगा, सैंपल के बेसिस पे ही वो दूसरा नया पार्ट देंगे। तीन चार मॉडल आते हैं। इसका जो मॉडल है 1043 का क्राउन पिनियन होता है, वो खराब हो चुका है और उसके बेयरिंग, वो पार्ट आएगा तब जाके कम्प्लीट होगा, और जुगाड़ के वाला काम इसमें चलेगा नहीं, नहीं चलेगा। अब बताओ मैं किसको दोष दूं, मैं कंपनी को दोष दूं, मैं ड्राइवर को दोष दूं, मैं किसको दोष दूं, मैं सर्विस वालों को दोष दूं, क्या करूं यार, मतलब ये तो बहुत ही क्या बोले इसको, बताओ नुकसान हो गया ना, बिना मतलब नुकसान हो गया, नहीं खुलने को बता रहे 2-2 लाख किलोमीटर चल जाता है, बट इसका मतलब ये थोड़ा ना चेक नहीं करोगे यार आप। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास आप आए, मैं आपका ब्लड प्रेशर शुगर ही नहीं चेक कर रहा, बेसिक चीजें जो हैं वो ही नहीं करोगे, तेल पानी चेक करना होता है गाड़ी में, और करना क्या होता है। टोयोटा वाले हैं वो आपको आते ही आपके मोबिल ऑयल, गियर ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल सब कुछ चेक करते हैं, इवन की ब्रेक पैड चेक होते हैं, टायर के रिम्स चेक होते हैं, नीचे डिफरेंशियल चेक होता है, बहुत सारे पार्ट्स है यार, ये मिस्त्री लोगों को जो मैकेनिक उसको पता है, जो है ना छोटे मोटे हेल्पर लगा लेते हैं 2,000, 10,000, 5,000 रुपए का ऐसा मैकेनिक लगा लेते हैं जिनको नॉलेज तो होता नहीं। वो क्या करते हैं, खाली इंजन ऑयल चेंज कर दिया, फिल्टर चेंज कर दिया, झाड़ के लगा दिया, लो जी होगी आपकी सर्विस, चले जाओ। लेकिन एक्चुअल में उसका पूरा सिस्टम से काम अगर करें तो गाड़ी कभी मार नहीं खाती, उसके लिए गियर ऑयल चेंज करना पड़ता है। टोयोटा क्या किसी भी कंपनी की आप गाड़ी ले लो, उसका अगर सही रूप से आप मेंटेनेंस कराते रहे, चेक कराते रहे तो कभी मार नहीं देते। महिंद्रा गाड़ी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन उसको चेक करने वाला सही चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि गाड़ी बुरी नहीं है, बच्चा आपने अच्छा पैदा कर दिया, बट अगर उसको पालोगे पोसोगे नहीं ढंग से तो क्या वो मालनरिस्ट हो जाएगा, वो हो गई गाड़ी। यहाँ के मिस्त्री हैं मूर्तल के, इनका यह कहना है कि ड्राइवर का इसमें कोई दोष नहीं है, गलती है वो कंपनी की है, कंपनी को अपने सर्विस पे ये चेक करना चाहिए था, डिफरेंशियल ड्राई चल रहा था, क्या बताएं, फटका तो मेरे को लग गया ना। अब मैं ड्राइवर को भी नहीं कह सकता कि भाई तूने तेल पानी चेक नहीं किया, तेल पानी चेक नहीं किया होता तो इंजन में कहीं दिक्कत होती, डिफरेंशियल का बताओ कहाँ से चेक कर लेगा, सर्विस वालों को करना था। हद है। देख लो महिंद्रा, अगर महिंद्रा से कोई देख रहा है तो यार शेम ऑन देम यार, बहुत गुस्सा आ रहा है, बट बने क्या करे क्या इंसान, गरारे तोड़ दिया उसने ड्राई चलते कारण। मेरे को पार्ट दे दे मैं फिटिंग कर दूंगा, तो स्पेशलिस्ट वो मैं आपको बता दूंगा, पर कंपनी से जॉब तो है कुछ, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अब देखो क्या होता है कि आपने इनको फ्रेंचाइज दे रखी है, बट आपका एक फर्ज बनता ना महिंद्रा की, कि आके रेगुलर चेक तो करो यार इनको एटलीस्ट,
कि ये प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं काम। दो बार कंप्लेंट कर चुके हैं इससे पहले भी हम इनकी, कई बार हो चुकी यार। हाँ मतलब जब भी गाड़ी सर्विस पे जाती है टोयोटा किर्लोस्कर इंडिया जो है भाई सब डंडा दे के रखते हैं इसको। छोटी 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 डिटेल्स नोट की जाती है। एक ये महिंद्रा वाले देसी बना रखे कसम से ना, इतना इरिटेशन हो रही है। चार दिन की सप्लाई खराब हो गई, लॉस में वैसे काम चल रहा, ऊपर से इनके ड्रामे नहीं खत्म होते। काम है नहीं, रोज घाटे खाए, लौट के बुद्धू घर को आए। होता है कभी कभी मूड खराब हो जाता है यार। इसे कहते हैं अनफोर्सिंग चीज, मतलब आप सब कुछ सही चल रहा होता है और अचानक से गड़बड़ हो जाती है। सही भी क्या चल रहा था, लॉकडाउन है, 2020 ने वैसी वाट लगा रखी है, बिल्कुल अच्छा साल नहीं आया, सर मुंडाते ओले पड़ रहे हैं। ट्रक खरीदा था, उम्मीद ये थी कि ट्रक कंपनी में लग जाएगा और चलना शुरू हो जाएगा, अपनी सप्लाई थोड़ी बेहतर हो जाएगी। लॉकडाउन हुआ, ट्रक भी खड़ा है, जीप के डिफरेंशियल खराब हो गया, सप्लाई है नहीं, दिन के 30-40 सिलेंडर निकल रहे हैं, तनख्वाह सबकी देनी है, बाइक खरीदी तो वो चल नहीं रही। क्या हाल है जी? ठीक है सर। बढ़िया, इनको भी दे दो, इन्होंने क्या पाप करे। सो गाइस, ये था एक छोटा सा व्लॉग आपको बताने के लिए कि जो लोग महिंद्रा के गुण गाते हैं ना भाई साहब, वो थोड़ा सा थमे, वो थोड़ा सा सीखे इस चीज से। महिंद्रा गाड़ी अच्छी बना रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका सारा इकोसिस्टम अच्छा है, समझ रहे हैं? तो यही डिफरेंस आ जाता है एक देसी कंपनी में और एक इंटरनेशनल ब्रांड में। कहते ना ब्रांड वैल्यू, इसे कहते हैं ब्रांड वैल्यू, ये डिफरेंस होता है बॉस। तो बाकी जिसको गुस्सा होना हो, मेरे को तो लग गया फटका 15-20 हजार का, जिसको जो कहना है कहो यार कमेंट से। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, इट्स फ्रॉम विश्नोई, टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग, डू लाइक एंड शेयर, और बताइएगा भाई कैसे लग रहे हैं व्लॉग्स। बाय बाय। स्टॉप रिकॉर्डिंग। Price on y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all, 86 all the hate, I won't get a ball today, got lost in the ball and A's, I'm flipping the bars, I'm flipping the...